आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी का संपूर्ण जीवन त्याग और बलिदान का रहा है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। संस्थापक हमारे जिस काम में हम सब लोग लगे हैं, जनसंघ के संस्थापक के साथ हमारे फिलोसफर जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ देश के समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए या उन्होंने सह संबंध क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो आज पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि को हम सब लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के साथ हमारी विचार क्या होगी इसका भी प्रतिपादित उन्होंने किया था, और साथ साथ अंत्योदय जो समाज का अंतिम सीढ़ी में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी सेवा करने का समर्पण भाव से काम करने का हम सब लोगों को रास्ता आया था, उसी रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस रास्ते को और त्वरित गति से नीचे तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए उनके आज बलिदान दिवस के रूप में आज उनकी हत्या हुई थी मुगल सराय में, इसलिए हम सब लोग आज समर्पण दिवस मनाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जो भी जिसके पास आर्थिक राशि होती है राशि है उसका वो समर्पित भाव से पार्टी को चलाने में अपना अंशदान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।